आप सबने देखा, मैं गई थी ईटानगर के मोनास्ट्री में यानी कि गोंडपा पे, क्योंकि आज के दिन पापा का 49 डेज हो चुका है यानी कि उनका हमें छोड़कर जाने का। एंड ऑन 7th of May तो जब मैं गांव में थी तो जो हमारे रिम्बुचे है, पद्मश्री तुमकुर रिम्बुचे, गुरु तुमकुर रिम्बुचे, उन्होंने कहा था कि 49 डेज में 108 लैम्स यानी कि हम लोग छिमे बोलते हैं उसे, पापा के नाम में गॉड कोई भी मोनास्ट्री में जलाने के लिए उन्होंने बोला था। तो आज 49 डेज हो चुका है, इसीलिए मैंने गॉड पर जाकर पापा के नाम पर मैंने जलाया है। एवरी मिनट आई मिस यू पापा एंड आई लव यू, और आई मिस योर प्रेजेंस एंड योर गाइडेंस। अभी लाइफ लॉन्ग तक जब तक जिंदा हूँ वैसे ही चलना होगा, बट नेवर द लेस बींग योर डॉटर, आपने जो कुछ भी सिखाया है ज़िंदगी को लेकर, आई कीप इट इन माई माइंड एंड आई विल नेवर एवर लेट यू फील डाउन और लेट यू डाउन। या बस इतना ही था, एंड आजकल इतना वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, एंड मोरओवर जो मैंने कहा था कि न्यू डे न्यू बिगनिंग मैं करूँगी, जैसे ही मैंने शुरू किया, मेरा जो पप्पी है नूरा बीमार हो गया, उसका भी 3 से 4 दिन पूरा सुबह शाम सलाइन चलाने के लिए मेडिकल ऐसे ले जाना पड़ा, उसके बाद वजह डिसकंटिन्यू हो गया। तो लेट्स सी, मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से शुरू करूँ। एंड अभी सवेरे के समय में देखिए बारिश, पूरा बारिश हो रहा है, आई डोंट नो कि आवाज़ क्लियर हो रहा होगा कि नहीं। और एज फ्यू डेज बैक अमरा भी महीना भर ज़्यादा हो गया, जब आई गेस मार्च महीने से हमने
बैडमिंटन खेलना शुरू किया था मैंने पिछले वाले ब्लॉग पहले वाले ब्लॉग में आप सबने देखा होगा शुरू किया था बट फिर पापा का ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने का गैप हो गया फिर मैंने स्टार्ट किया अभी तो यह देखिए अभी पूरा बारिश दो ये ईटानगर है बट फोग से लग रहा है कि बोमदिला या फिर हिल स्टेशन तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई विश कि आप सब हमेशा खुश रहे हेल्दी रहे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ में कभी गिव अप ना करें और आप प्लीज़ मेरे पापा के लिए आप सब मेरे पापा की आत्मा की शांति के लिए प्रे करिएगा एंड और एक बात इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी के पास अभी अपने पेरेंट्स हैं आपके पेरेंट्स हैं मम्मी हो या पापा नेवर डिसरेस्पेक्ट टू देम लव देम क्योंकि ये बात कभी मत भूलिएगा छोटा से लेकर बड़े होने तक अभी तक आपको अपने पेरेंट्स कैसे रख रहे हैं पाल रहे हैं नो मैटर अमीर गरीब मिडिल क्लास जैसा भी हो बट पेरेंट्स गिव देयर 100% टू यू नो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए या बाय।